आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए ले गया हूँ TMA 2022-23 इंग्लिश का NIOS 10th क्लास का, जनवरी और अप्रैल में जो जमा होंगे। अरेंज 40-60 वर्ड्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट्स वर्ड। जैसे ये लिखा है, सोहन लाल थ्रो फोर वॉज लार्ज हार्डेड, गिव अ लीस्ट वन एग्जाम्पल कैन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो इसमें सोहन लाल वॉज अ वॉगमैन, ही वर्क एज अ शोर शाइन, ही रिलीज शू शाइन, ही रिलीज द प्लान ऑफ अ पुअर यंग मैन, हिज हार्ट ऑफ मेल्टिंग विथ पाइटी। ठीक है, इस तरह से ये पूरा आंसर है, आप इसके अंदर लिख देंगे। थ्रेड वुड ऑल्सो रिड्यूज हिज इनकम, येट ही डिड नॉट ब्रॉदर अबाउट हिज पर्सनल बेनिफिट, ही अदर शू शाइन टू हेल्प टू हेल्पलेस यंग मैन, दिस इज शू इज लार्ज हार्टेड। इसके बाद दूसरा सवाल है, आंसर द फॉलोइंग, आंसर 46 एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट वर्ड, लिस्ट आउट नॉइजेज दैट यू फाइंड इन ट्रबल एंड गिव सजेशन टू रिड्यूस दे। एन अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, वी डोंट लाइक इट, इट कॉल्ड समवन वी। We cover our case when we hear loud noise. We use crackers, but we don't realize how much harm it causes. We so we are the noise who creates noise should do our best to reduce noise and create a better environment. We should use only mechanical device at a time and turn down out म्यूजिक सिस्टम। इसके बाद तीसरा सवाल है, आंसर देना इसमें 40 से 61 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मदर टेरेसा के बारे में, कवर ओल्ड सिक हु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है मदर टेरेसा लुक केयर ऑफ द ओल्ड, ए करा है मैंने तो आप भी, और पेज नंबर भी डाल दिएगा। टुक ऑफ द ओल्ड एंड द सिक हु वर वॉन्टेड टू अबैंडन टू दियर रिलेशन, शी लुक्ड आफ्टर हर पेशेंट, शी मेक्स देम फील वुड शी मेड them feel that they were not alone, she made them feel that they were people who loved and cared for them, she made the dying patient think themselves the children of a god, those who got cared was given work for sent. Chautha question hai, answer about 40 words, 100 to 150 words. Show me son how to laugh, show me now I used to laughed and I smiled, once upon a time I was like you, the father and son in the poem represent two different periods of time. उसके बाद चौथे का ये बी है, शो मी सन हाउ टू लाइव, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, वंस अपॉन अ टाइम वेन आई यूज लाइक यू, दीज लाइन्स हैवन बीन टेकन फ्रॉम द वंस अपॉन अ टाइम, द फादर एंड द सन इन द पोएम रिप्रेजेंट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द टाइम, द फादर एंड हिज अडल्ट सन मॉडर्न पीरियड इन। इसके बाद ये पूरा लिख दीजिएगा आप सारा, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद नीचे आ जाइएगा, ये सारा आप उतार दीजिएगा, ठीक है, ये सारा आपको उतारना है। पांचवा सवाल है, इसमें आंसर द अबाउट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स। पांचवे में आंसर देना, लुक आई कांट कैरी माउंटेन और रॉक्स, गॉड गिव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ, आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, माय हेयर अर्लीस्ट आव रामा, आई विल डू ऑल आई कैन फॉर हिम, वॉज द वर्क ऑफ द स्क्वायरल, लॉस इम्पॉर्टेंट देन मनी, वर्क गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसके बाद इसका जो है आंसर आपको लिखना, मंकी वर हेल्पिंग लॉर्ड रामा टू बिल्डिंग अ ब्रिज ओवर द सी, दे वर पुलिंग आउट ऑफ द रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन एंड कैरिंग देम टू द सी, अ लिटिल स्क्वायरल वॉज ऑल्सो कैरिंग लिटिल पेबल्स फ्रॉम द माउंटेन एंड थ्रोइंग इन टू द सी, सडनली ही कैम इन अ बिग मनी, द मंकी शुड शाउटेड स्क्वायरल ही वॉन्ट टू डू इट, When a squirrel told the monkey he was also contributing building bridge, all them monkey made of him. इसके बाद आपको ये सारा लिख लेना है, यहाँ तक लिख लिए, फिर मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, फिर ये लिख लीजिएगा,
फिर ऊपर दिखा रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा सारा, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर, अब आखिरी क्वेश्चन है ये, प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फाइव। इसमें जो है एक नारी पढ़ेगी, सात पीढ़ी तरेगी, तो इसके ऊपर जो है प्रोजेक्ट बनाना। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा, जब क्वेश्चन उतार लें तो क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो इसके बाद आंसर यहाँ से ही शुरू हो जाएगा। आंसर एक नारी पढ़ेगी, सात पीढ़ी करेगी, ये आंसर है। मेरे पास ब्लू पेन ख़त्म हो गया था, इसलिए ब्लैक से लिख दिया, आप ब्लू से ही लिख दीजिएगा। पूरा लिखना है आपको, वुमेन इम्पॉसिबल विदाउट एजुकेशन, इसके बाद ये सारा लिख देंगे। उसके बाद एडवांटेज ऑफ वुमेन एजुकेशन इन सोसाइटी, पहला एडवांटेज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा एडवांटेज ये है, सारा आप लिखेंगे। इसके बाद है इन डिवाइस ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ये पूरी बात लिखनी है, ये लिखनी है, ये लिखनी है, ये लिखनी है, ये लिखनी है। उसके बाद ये लिखनी है, ये फिर इसका आठवां पॉइंट है, आठवें के तीन पॉइंट्स। उम्मीद है कि वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोज़ यहीं मिल जाएगी। शुक्रिया, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, जिस वीडियोज़ को चैनल को सब्सक्राइब, शुक्रिया।